हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की तैयारी करते हुए आइए आज सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9 के लिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिया हुआ है पेपर 2021 से। क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम इस टॉपिक से रिलेटेड है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स और जूसेस आर नॉट सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज। ध्यान रखो, हमने बताना है नॉट सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज। बाइल, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड म्यूकस। और नीचे ऑप्शंस है कि सिर्फ सेकेंड, मतलब ट्रिप्सिन है इसका आंसर, या लाइपेज है, या बाइल एंड लाइपेज है, या बाइल एंड म्यूकस है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से इनमें से कौन सी चीज़ पैनक्रियाज सिक्रीट नहीं करता है ये हमें बताना है। इसी पेपर में डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, तो ये दोनों क्वेश्चन हम साथ में पढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखो, कंप्लीट द एनालॉजी टू मेक फूड एसिडिक गैस्ट्रिक वॉल, टू मेक फूड अल्कलाइन। क्या हो सकता है, कहाँ पर होता है अल्कलाइन फूड? अल्कलाइन कहाँ पर किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर में, पैनक्रियाज में, या सलाइवरी ग्लैंड्स में? समझ रहे हो? तो ये दो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको हम साथ में पढ़ रहे हैं। और ये पेपर 2021 से ही है, दोनों भी क्वेश्चन एक ही पेपर में आए हुए हैं। तो इस तरीके से हो सकता है, तो एक बार जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो एक बार ओवरव्यू ले लेना कि एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन है क्या। कई बार ऐसा भी होगा कि दूसरे क्वेश्चन में आपको पहले क्वेश्चन का कुछ आंसर या क्लू तो भी मिल जाएगा। रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो कुछ आइडिया अचानक से याद आ जाता है, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखो कि रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो उनको साथ में सॉल्व कर लें। हम अगर इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम के देखें तो उसमें देखो सबसे शुरू में आता है माउथ। उसमें ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड, उसका सिक्रीशन है सलाइवा, टाइलीन जिसे कहा जाता है, और उसका फंक्शन होता है स्टार्च टू माल्टोज, टू कन्वर्ट स्टार्च टू माल्टोज। फिर स्टमक इज द ऑर्गन, स्टमक में ग्लैंड की तरह काम करती है गैस्ट्रिक वॉल। इसके सिक्रीशन में गैस्ट्रिक जूसेस है और उसमें है HCl। HCl क्या काम करता है? टू मेक फूड एसिडिक। हाँ, हमारे इस क्वेश्चन में है ना, यहाँ पर देखो, टू मेक फूड एसिडिक गैस्ट्रिक वॉल, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। और हमने बताना है टू मेक फूड अल्कलाइन क्या, तो आगे की कहानी पढ़ेंगे तब इसका भी पता चल जाएगा। तो HCl का काम है टू मेक फूड एसिडिक। पेप्सिन सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक जूसेस में, वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए काम करता है। और म्यूकस जो है वो हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग जो है उसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द HCl। समझ रहे हो? फिर इसमें और देखो तो लीवर जो है, लीवर इज ग्लैंड, उसका सिक्रीशन है बाइल, और इसका काम है टू मेक फूड अल्कलाइन। मिल गया आंसर? ये दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिलता है, टू मेक फूड अल्कलाइन, यहाँ पर लीवर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाइल का फंक्शन है देखो लार्ज फैट पार्टिकल को ब्रेक डाउन करना छोटे पार्टिकल्स में, जिसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स भी कहा जाता है। ये टर्म याद रखना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, दैट इज फ्रॉम द लार्ज फैट पार्टिकल टू स्मॉल वंस, राइट। फिर नेक्स्ट ग्लैंड है पैनक्रियाज, इसमें से पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट होते हैं। यहाँ पर ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन का काम है टू कन्वर्ट प्रोटीन टू अमाइनो एसिड, लाइपेज का काम है फैट्स टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और अमाइलेज का काम है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टू सिंपल शुगर्स। तो पैनक्रियाज से सिक्रीट होने वाले कौन कौन से हैं?
सिक्रीशन, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। ठीक है, फिर हमारे इस क्वेश्चन में ट्रिप्सिन और लाइपेज पैनक्रियाज सिक्रीट करता है और हमें पूछा है नॉट सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज, मतलब कि बाइल और म्यूकस होगा, और 1 और 4 मतलब इसका आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। आर यू गेटिंग? और एक जो ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करने वाला वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट होते हैं दैट इज कन्वर्टिंग प्रोटीन टू अमीनो एसिड, अगेन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज एंड फैट्स टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के और उनके सिक्रीशन एंड फंक्शंस। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा और दूसरे क्वेश्चन का आंसर लीवर ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। इसी तरीके से क्वेश्चंस में सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ और आपकी तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और क्वेश्चंस पूछते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।